एक बात हमारी समझ में नहीं आई क्या? अरे थोड़े से यज्ञ हवन कर लिए, वो स्वर्ग का राजा बन गया तो कौन सी बड़ी बात होगी बाबा? एक बात कहें, हाँ बोलो लल्ला, तो समझाने लगे कृष्ण कन्हैया कि थोड़े से यज्ञ हवन करके उसने इंद्रासन स्वर्ग का राजा बन गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई बाबा? एक बात बताओ, वो इंद्र क्या करेगा हमारे लिए? कि बदला दो तो धन धान्य हमें वो सहारा क्या दे सकता है बाबा? और भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं बाबा हमारी बात मानो तो इंद्र की पूजा छोड़ो, हमारे तो गिरिराज गोवर्धन है ना, हम उनकी पूजा करें। आदमी अपनों को भूल गया है और इधर उधर भटकने में लगा हुआ है, भटक रहे हैं। और हम भी इस बात को जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाखंड में लगे पड़े हैं, अपने माता पिता को छोड़ करके पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं, जो किसी भी मतलब का नहीं है। व्रत पूजा पाठ किसी भी मतलब का नहीं है। अगर हमारे घर के बुजुर्ग हमारे अपने परेशान हैं कि जाते ढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी Thank you.
हो हम लोग बोली जब कुआर के महीना में कनाद तो लोग बोली हम लोग जाते हैं।